भगवान केदारनाथ, जिनकी आराधना पूरा विश्व करता है, जिनके प्रताप के आगे संपूर्ण मानव जाति नतमस्तक हो जाती है। अद्भुत अतुल्य केदारनाथ की हर कहानी अपने आप में रहस्य, विस्मय और कल्पनाओं का खजाना समेटे है। इनमें से एक अद्भुत नजारा केदारनाथ डोली यात्रा का होता है। न जाने कितनी सदियों से चली आ रही इस डोली यात्रा के साक्षी हजारों लोग होते हैं। केदारनाथ डोली यात्रा की सबसे खास बात है पंचमुखी महादेव। पंचमुखी शिव की ये प्रतिमा ही क्यों केदारनाथ डोली यात्रा की अगुवाई करती है? क्या आप जानते हैं कि केदारनाथ डोली यात्रा में पंचमुखी शिव प्रतिमा का रहस्य क्या है? क्या आप जानते हैं कि पंचमुखी शिव कौन है? ये पांच मुख वाले शिव देवभूमि में विराजमान पंच केदार का प्रतीक है। केदारनाथ, तुंगनाथ, मदमहेश्वर, कल्पेश्वर और रुद्रनाथ महादेव। केदारनाथ डोली यात्रा उत्तराखंड के इन पंच केदारों का प्रतिनिधित्व करती है, इसीलिए ऊखी मठ को कहा गया पंच केदार गद्दी स्थल। छह महीने केदारपुरी में रहने के बाद भगवान शिव की पंचमुखी प्रतिमा पंच केदार गद्दी स्थल में विराजमान होती है और माना जाता है कि इस प्रतिमा के आने से केदारनाथ, तुंगनाथ, मदमहेश्वर, कल्पेश्वर और रुद्रनाथ ऊखी मठ में विराजमान हो जाते हैं। हजारों लोगों के मुख से निकलते महादेव जय घोष के अनहद नाद के साथ जब पंचमुखी महादेव आगे बढ़ते हैं तो नजारा अलौकिक होता है। यूं लगता है जैसे एक राजा अपनी हजारों की सेना के साथ आगे बढ़ रहा हो। ऐसा उद्घोष, ऐसा अनहदनाद, ऐसा दिव्य दर्शन, जैसे महादेव खुद अपने भक्तों से मिलने धरती पर पधारे हों। महादेव की हर बात निराली है, हर रूप दिव्य है। जय श्री केदारनाथ।